थिस्सलुनीका के लोग के नाम पौल के दूसरा चिट्ठी, दूसरा थिस्सलुनीकियंस अध्याय एक। पौल और साइलस और टिमिथी के बगल से थिस्सलुनीका के चर्च के जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हम प्रार्थना करता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तुम पे दया करी और तुम्हें शांति के आशीष दे। हमार दोस्त लोग, हम लोग के लगे हरदम कुछ अच्छा रहा कि हम तुम्हारे वास्ते परमेश्वर के धन्यवाद दे, कहे कि परमेश्वर में तुम्हार विश्वास और एक दूसरा के वास्ते तुम्हार प्रेम हरदम बढ़ते गए। यही कारण हम परमेश्वर के चेज के बारे में बढ़ चढ़ के बात करता है। हम लोग उलग के बताता है कि तुम्हार लगे कितना धीरज है और तुम विश्वास रखता है, यहाँ तक कि जब तुम कितना दुख और मुसीबत के सामना करते रहता है। ये सब यही दिखाए है कि परमेश्वर कैसे न्याय करे है और वो तुम्हें वो लायक बनाए है कि तुम उसके राज में सेवा करो जिसके वास्ते तुम इतना सहा। परमेश्वर के वास्ते ये राइट है कि जो तुम्हें सताए है उसके सजा दे, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्ति दे। वो हम लोग के वास्ते भी वही करी जब प्रभु यीशु स्वर्ग से अपन शक्तिशाली एंजल्स और आगे के फ्लेम्स के संगे आई। हमार प्रभु यीशु सबके सजा दे जोन परमेश्वर के नहीं जाने हैं और उसके संदेश के नहीं माने हैं। उलोग के सजा अनंत नाश रही और उलोग हम लोग के प्रभु और उसके महान शक्ति से दूर रखा जाए। ये सब उ रोज होई जब हमार प्रभु लौटी और उसके आपन लोग जोन उस पे विश्वास रखे है उसके बड़ाई और आदर करी। इसमें तुम शामिल है, कहे कि तुम उस सब पे विश्वास करा जोन हम बोला रहा। परमेश्वर तुम में चुनिस और हम लोग प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर तुम में आपन लोग बनाए के काबिल बनाई। हम लोग परमेश्वर के शक्ति के वास्ते प्रार्थना करता है जोन तुम में सब अच्छा काम करे में मदद करी जोन तुम करे मांगता है और तुम्हार विश्वास तुम्हें कारण दे। तब जबकि परमेश्वर और हमार प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, तुम प्रभु यीशु के नाम पे महिमा लाएगा और वो तुम पे। दूसरा थिस्सलुनीकियंस अध्याय दो। जब हम लोग के प्रभु लौटी, हम सब लोग के उसके मिले के वास्ते इकट्ठा करा जाए, तो हम तुम सब से पूछता है हमार दोस्त लोग कि तुम पवित्र आत्मा वचन या ऐसे चिट्ठी से जोन की तुम समझता कि हमार बगल से है, ये बताए है कि प्रभु के दिन नगीचे आए गए से विश्वास नहीं करना और घबराना भी नहीं, लेकिन बेवकूफ नहीं बन जाना, लोग परमेश्वर के अगेंस्ट भड़क जाए। तब प्रभु के लौटे से पहले बुरा लोग जोन के नाश होई के है सामने आई। उ बड़ा बड़ा बात करी और जोन भी चीज पवित्र है उसके विरोध करी। उ परमेश्वर के मंदिर में भी बैठी और अपने आप के परमेश्वर बताई, का तुम्हें याद नहीं है कि हम तुम्हें इसके बारे में बताए रहा जब हम तुम्हार संगे रहा? तुम अच्छा से जनता है कि कौन चीज है जोन इसके उ टाइम तक रोके है जब तक उ आए नहीं जाए। उसके कोई गुप्त शक्ति अपन काम करे के शुरू कर दिस है, लेकिन कोई है जोन उसके रोके है, और बुरा जन तब तक आगे नहीं आई जब तक जोन उसके रोके है रास्ता से हट नहीं जाए। तब वो आई, लेकिन प्रभु यीशु अपन मुंह से उस पे फूकी और उमर जी। वो प्रभु के महिमा के संगे लौटे पे पूरा नाश हो जी। जब बुरा जन आई तब शैतान सब रकम के चमत्कारी काम और सुंदर साइन भी दिखाई। जोन लोग हैरान है वो लोग इस सब बुरा काम से भाग जाए। वो लोग बचे सके है, लेकिन सच्चाई नहीं मानी और उससे प्रेम नहीं करी। तो परमेश्वर देखी कि वो लोग झूठ के विश्वास करे के बेवकूफी करी, उस सब लोग के सजा मिली, कहे कि वो लोग सच्चाई के नहीं मानी लेकिन बुरा काम करे मांगी। हमार दोस्त लोग, प्रभु तुम सबसे प्रेम करे है और ये नेचुरल है कि हम तुम लोग के वास्ते परमेश्वर के धन्यवाद दी। परमेश्वर तुम में चुनी कि तुम सब पहला रहो जोन बचे सकी, उसके आत्मा तुम्हें पवित्र बनाइस
और तुम अपन विश्वास सच्चाई में लगाओ। परमेश्वर हम लोग के प्रचार से रास्ता निकाली कि तुम सब के इनवाइट करी कि तुम सब आए के प्रभु यीशु के महिमा में भाग ले सको। हमार दोस्त लोग, वही कारण तुम सब फेथफुल बने रहो और वही पे चलो जो तुम सब के चिट्ठी से और अकेले में सिखाया रहा। परमेश्वर हम लोग के पिता हम लोग से प्रेम करे है, वो दयालु है और हम लोग के अनंत आराम और सुंदर आशा दीस है। हम लोग प्रया करता है कि हमार प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर तुम लोग के हौसला दे और हरदम मदद करी कि सच्चा काम करो और बोलो। दूसरा थिस्सलुनीकियंस अध्याय 3। आखिरी में हमार दोस्त लोग, कृपा करके हम लोग के वास्ते प्रया करो, ये प्रभु के संदेश जल्दी फैलाए में मदद करी और दूसरा लोग आदर करी जैसे तुम सब करता है। ये भी प्रया करो कि हम बेकार और बुरा लोग से बचा रहेगा, जैसे कि सबके लगे विश्वास नहीं रहे है, लेकिन प्रभु पे भरोसा करा जा सके है कि वो तुम्हें मजबूत बनाई और सब बुराई से बचाए रही। वो हम लोग के एकदम शुआ करिस है कि तुम लोग वो सब के मानता है जो हम तुम्हें सिखाया है और उस पे चलता है। हम प्रया करता है कि प्रभु तुम्हें रास्ता दिखाई कि कैसे तुम परमेश्वर के रकम प्रेम करे सकता है और क्रिस्ट के रकम धीरज रखे सकता है। हमार दोस्त लोग, प्रभु यीशु के नाम से हम विनती करता है कि तुम उ लोग के साथे कुछ वास्ता नहीं रखो जो गुंडागर्दी करे है और वो आज्ञा के नहीं माने है जो हम तुम्हें दिया है। तुम तो खुद ही जनता है कि तुम में हम लोग के रास्ता पे चले के है। हम लोग गुंडागर्दी में अपन टाइम बर्बाद नहीं करा और हम लोग कोई से खाना पानी बिना पैसा देवे नहीं लिया। हम लोग तुम में से कोई के ऊपर बोझा नहीं बने मंगता रहा और हम लोग रात और दिन उतना मेहनत करा जितना करे सकता रहा। हम लोग के भी हक रहा कि हम काम नहीं करी, लेकिन हम लोग तुम्हारे वास्ते एक एग्जाम्पल बने मंगता रहा। हम लोग तुम्हें एक रूल भी दिया कि अगर तुम काम नहीं करता है तो तुम खाएगा भी नहीं। अब हम देखा कि तुम में से कुछ लोग खाली गुंडागर्दी करता है और कुछ काम नहीं करता सिवाय दूसरा के काम में टांग अड़ाई के। तो प्रभु यीशु मसीह के वास्ते हम लोग ये लोग से बोलता और विनती करता है कि ये लोग अपने आप के सेटल कर ले और अपन रोजी रोटी के वास्ते काम करे के शुरू कर ले। हमार दोस्त लोग, तुम राइट काम करे के वास्ते कभी भी नहीं थकना। अगर कोई हमार ई चिट्ठी के बात के नहीं मानी तो वो आदमी से होशियार रहना, उ लोग के संगत नहीं करना कि जिससे उ लोग शर्मा जाए। उ लोग के अपन दुश्मन नहीं समझना, लेकिन नर्म से उ लोग से बात करो जैसे तुम कोई एक प्रभु के जन से बात करता है। हम प्रया करता है कि प्रभु जोन शांति दे है तुम सबके हरदम शांति से आशीष दे। प्रभु तुम सबके साथे रहे। हम हरदम अपन चिट्ठी अपने साइन करता है पॉल। हम प्रया करता है कि हमार प्रभु यीशु तुम सब पे दया करी।